जागरूकता, साक्षी भाव और तटस्थता, सांस जैसी भी आ रही है जा रही है उसके प्रति अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। एक भी सांस अपने ध्यान के बगैर ना आने पाए ना बाहर जाने पाए। धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें, गेट क्लोजर टू ब्रीदिंग। सांसों के इतने करीब चले जाएं कि अब इन सांसों को महसूस कर सकें, फील कर सकें। हर वो सांस जो आ रही है उसकी ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के क्षेत्रों पर फील करें, महसूस करें। दिव्य बुद्धि और सद्वेग का प्रतीक थर्ड आई ऑफ विजडम प्रकुटिका मध्य, इसी स्थान पर आप विजुलाइज करें अपने सत्य स्वरूप को, जो मैं हूं, द रियल सेल्फ एंड द ऑथेंटिक सेल्फ। सभी यहां अपने आप को लाइट और माइंड के स्वरूप में, बिंदु रूप में और ज्योति के स्वरूप में विजुलाइज करें और फील करें। दैट इज नॉट ए बॉडी बट ए कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट। बिंदु रूप के कॉन्शियसनेस में आते ही हम डिटैच हो जाते हैं पांचों ही कर्म इंद्रियों से और जुड़ जाते हैं विद रियल आई, जो मैं हूं। इस वक्त आप सभी कनेक्ट हो चुके हैं अपने आप से, सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट एम, अंतिम लक्ष्य योग का होता है मिलन, कॉम्बिनेशन, यूनियन एंड लिंक। सोल कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन टू सुप्रीम रियलाइजेशन। सभी अब विजुलाइज करें कि आप इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं उस परम शक्ति से, अनंत असीम, बेशुमार, दोषी न पावर शक्ति के सागर के शक्तिशाली किरणों के नीचे। सभी अपने आप को देखें, विजुलाइज करें और हर एक आती हुई किरण शक्ति की किरणें आपके प्रकृति के मध्य में आकर आपको सशक्त कर रही हैं, एम्पावरिंग यू। सभी बहुत ही मनोचित्रण करते रहें, अच्छे से विजुलाइज करते रहें। आई एम अंडर द शॉर ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, द रेज ऑफ पावर, शक्ति की किरणें लगातार सतत मुझे शक्तिशाली बना रही हैं, गिविंग मी द पावर। अपने आप को सशक्त होता हुआ देखें और फील करें, फील करें। यस, अब दोनों अतनियों का आपस में दर्शन करें। रवि बुद्ध पाम्स पोर्सिबली पामिंग कहलाता है ये। चश्मे का नंबर कम होता है इससे और आंखों की ज्योति बढ़ती है। और जोर से रगड़ें। अब दोनों ही अतनियों के निचले भाग को ले जाकर बंद आंखों को ढांकें, टच इट, और उसकी गर्माहट को महसूस करें। धीरे से
दोनों हथेलियों को नीचे ले लें।